आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से, जहां संगम नगरी प्रयागराज के दौलत हुसैन इंटर कॉलेज में संविधान और नागरिकता को लेकर अधिवक्ता विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और संविधान और नागरिकता को लेकर अपनी बातें रखी। बताया गया कि महिलाओं का पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, 4 तारीख को सुबह में शुरू हुआ है, 4 फरवरी को अचानक रैंडम महिलाएं इकट्ठा हो गई वहां पे मौलाना जौहर अली पार्क में, बहुत खामोशी से हाथों में तिरंगा, लबों पे जिंदाबाद हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नारा लगा हुआ था, और वो सीए राष्ट्रीय इंकलाब के खिलाफ जो तमाम धारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो कहते हैं, उसके तहत वो अपनी आवाज को बुलंद कर रही थी। दोपहर तक समझाने का एक राउंड चलता है, जो वहां के तमाम गणमान्य व्यक्ति थे, जो वहां के इंटेलेक्चुअल थे, जो पॉलिटिकल लोग थे, उनको बुलाया गया, समझाने की कोशिशें की गई। मौलाना ताहिर मदनी साहब है वहां पे, एक रिनाउंड फिगर है, इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव है, और बहुत ही एक बड़ी हैसियत के मालिक है वहां पे। वहां के लोकल एमएलए को बुलाया गया, चेयरमैन और तमाम तरह के लोगों को बुलाया गया, मौलाना को 3-4 बार वहां बुलाया गया, इससे पहले भी वहां तमाम कोशिशें होती रही, तो मौलाना को भी बुलाकर उस मूवमेंट को रोका गया, और मौलाना के कहने पर आवाम वहां पीछे हटी। उस दिन भी यही चीजें हुई, क्योंकि 3-4 बार ये हो चुका था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहता था हम आपको परमिशन देंगे प्रोटेस्ट की, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन नहीं दी, तो आवाम वहां पे धोखा खाने के बाद 3-4 बार उस बार घोषित हो गई कि हम बैठेंगे। उसमें कहीं भी मर्दों का वो नहीं था, जैसे पूरे मुल्क में शाहीन बाग की हमारी माओ बहनों ने एक जो एक नई रवायत काम की है, जो पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान में, और खासतौर पर जो दबा पिछड़ा तबका है, खासतौर पर जो माइनॉरिटी है, जो लीडरशिप के लिए तड़प रहा था, और खासतौर पर जो हमारी बहनों की लीडरशिप थी, माओ की लीडरशिप थी, जिसकी प्यास जिसकी तलाश हमेशा की थी, इस शर्म वो खैर पैदा हुई, और हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार हमारी माओ बहनों ने फ्रंट पर आकर इस मूवमेंट को लीड किया है, और मुझे फख्र है इस बात का कि आज हिंदुस्तान के हर एक सूबे में और तमाम जिलों में एक एक शाहीन बाग बना हुआ है, और हमारी माए बहने बेटियां फख्र से फ्रंट से लीड कर रही है उस मूवमेंट को, और आजमगढ़ में भी उसी मूवमेंट की इन्फ्लुएंस से हमारी माए बहने निकली थी, तो पीसफुल मूवमेंट था, कोई रोड ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कोई वायलेंस नहीं, किसी तरह का कोई बदनिजामी नहीं, उसके बावजूद सिस्टम और गवर्नमेंट ने मिलकर उस मूवमेंट को क्रश किया, और हुआ क्या, रात में 3 बजे ये कहा गया कि पत्थर चलाए गए। मैं पूछना चाहता हूँ 3 बजे रात में पत्थर कौन चलाते हैं? उसके बाद वहां लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, औरतें घायल हैं, एक औरत सरवरी बेगम थी 60 साल की उम्र, के राय साहब, अमिकस क्यूरी, रमेश कुमार जी बैठे हुए हैं, जावेद साहब, ये लोग गए थे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस डेलीगेशन का, इन लोगों ने जाकर वहां विजिट किया, वहां के हालात को देखा, वो औरत 60 साल की औरत 4 दिन तक होश में नहीं आता, अभी भी 2-3 रोज पहले वो डिस्चार्ज हुई। इस तरह की तमाम बहुत सी औरतें ऐसी घायल थी, छुरी 10-11 साल की बच्चियां घायल हुई, 7 साल की बच्चियां घायल हुई, लोग और डर और खौफ के हमारे सामने हुई। उसके बाद हुआ है कि वहां से 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इंक्लूडिंग मौलाना ताहिर मदनी साहब को, उसमें 19 लोगों पे, उसमें 4 नाबालिग हैं, उसमें एक लड़का हाईस्कूल में, एक इंटर में है, 2 बीटेक कर रहे हैं, एक लड़का ढाबे पे काम करता है, एक लड़का कॉस्मेटिक्स की दुकान पे काम करता है, एक लड़का परचून की दुकान पे काम करता है, एक वहां के शायर है, बहुत मशहूर शायर है वहां के, उनका नाम है शमीम आजमी, मौलाना ताहिर मदनी एक नॉन फिगर है। इस तरह के तमाम लोगों को हर तबके के जिसमें उनको शामिल किया गया, और 19 लोगों को गिरफ्तार करके हर एक पद पे 19 धाराएं लगी, एक एक पद पे 19 धाराएं लगी है, सेडिशन के चार्जेस है, भरपूर पिछड़ी ये है, उसके बाद आपके 307 है, 333 है, 507, 506, 153 है, 353, 323, 147, 148, 186, 188, टोटल 19 पद पे गिरफ्तार है, हर एक पद पे 19। नहीं नहीं ऐसे एक मिनट, देखिए अलग अलग लोग कह रहे हैं, मैं उसी मुद्दे पे बोल रहा हूँ, मैंने शुरू में भी कहा था कि पिछले 90 दिनों से 10 तारीख को ये कानून पास हुआ है, और 10 दिसंबर से इसी टॉपिक पे बात हो रही है, अगर उसके बावजूद हम सिर्फ लेक्चरबाजी और तकरीर में रहना चाहते हैं। अधिवक्ताओं का है तो मैं बता दूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ प्रशासन का एक ही फर्क है कि बिहार में भी अधिवक्ताओं पे बहुत सारी FIR हुई है, और हम लोगों पे तो दिसंबर में ही FIR हो गई थी, जिसके बाद फिर हम लोग सोच रहे थे कि बेल लें कि मूवमेंट चलाए कि क्या करें, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जिस तरह हमारी बेटियों ने लीड किया, उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए निकले,
जिसमें मैं भी वेस्टर्न यूपी के कई जिलों में गया। डिटेल में नहीं जा सकता हूं, इसलिए सिर्फ 5 पॉइंट जो मेरी समझ बनी है वो 2 से 3 मिनट में आपके पास रखना चाहता हूं कि आगे हमें क्या करना है। इस मूवमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है इस मूवमेंट का ये नेचर कि ये कई मुसलमानों का मूवमेंट है। उस नेचर को बदलने के लिए ये बताना पड़ेगा कि जो आसाम एक्सपेरिमेंट है वो ये कहता है कि भारत का हर शहरी जो सोया रह जाएगा वही लपेटे में आएगा, जो जाग जाएगा वो बच जाएगा। लैंडलेस लोगों के पास भी कागज नहीं है, वो भी फंसेंगे। और आसाम में जो हो रहा है कि आसाम के 19 लाख लोग आज वहां की जो फैक्ट्रियां हैं और जो चाय बागान है उनके मालिकों के यहां वो बंधुआ मजदूर बन गए हैं, क्योंकि जब वो मजदूरी मांगते हैं और नहीं मिलती है तो वो पुलिस और कोर्ट तो भूल ही गए हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है, उनके जहन में ये है, मजदूर लोग हैं, कि मैं तो पुलिस और कोर्ट जा ही नहीं सकता, मैं तो भारतीय हो ही नहीं हूं। तो ये बंधुआ मजदूरों की एक जो है बॉस खड़ी भी करना है इनको, क्योंकि मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो पूरे दुनिया के कैपिटलिस्ट यहाँ पे आके बंधुआ मजदूरी करवाना चाहते हैं ताकि अपने रेट पे वो मजदूरी दे और यहाँ अपना प्रोडक्शन करे। इन एस्पेक्ट को ट्रेड यूनियंस के जरिए दूसरे जरिए हमें उठाना पड़ेगा ताकि यहाँ के हिंदू जो सोए हुए हैं दरअसल उन्हें घाटा लगने वाला है, ये बात क्लियर हो। ये हिंदू राष्ट्र का भी एजेंडा नहीं है, ये सिर्फ उनकी सत्ता में रहने का एजेंडा है, ये हिटलरशाही एजेंडा है। पहला ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, जो इस पे काम करना चाहिए ये मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरा जो काम होना चाहिए वो ये है कि कागज नहीं दिखाएंगे, ये सिर्फ एक अर्बन मूवमेंट की तरह है। हमें गांवों में जाना चाहिए और बड़े मंचों पे तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन हमें पूछना पड़ेगा कि कितनी ऐसी सभाएं हमने कही जहां सिर्फ गांव 20 घरों का गांव था, 10 घरों का गांव था, 50 घरों का गांव था और वहां सिर्फ 25 लोगों के बीच बोला, 10 लोगों के बीच। जब तक ये रूरल में ये चीजें नहीं जाएंगी तब तक हमें स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। और ये भी सरकार की मजबूती है कि ये एक अर्बन मूवमेंट की तरह दिख रहा है। दूसरी चीज जो मैं वेस्टर्न यूपी गया था वहां जो प्रॉब्लम मैंने पाई कि जो डेथ हुए इवन डेथ के केसेस में जो विटनेसेस थे वो स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने पुलिस को, वो डर रहे थे, पुलिस लगातार उन्हें धमकी दे रही थी। मैंने जब कॉलिंग गोंसाल्विस साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात आई है, नेक्स्ट डेट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और आई, लेकिन व्हाट अबाउट द सीरियस इंजुरी रिपोर्ट? सीरियस इंजुरी रिपोर्ट आज भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर इंजुरी रिपोर्ट बदल दी गई दैट इज द मेजर एविडेंस, अगर वो एविडेंस नहीं रहेगा ट्रायल में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, हम कुछ भी कर ले। अब वही बात की विटनेसेस और इंजुरी रिपोर्ट और एविडेंस कैसे आएंगे? तो डॉक्यूमेंट के जो एविडेंस है वो तो आप हाईकोर्ट के थ्रू कोशिश कर सकते हैं, बाकी विटनेसेस रहे तो विटनेसेस चूंकि डरे हुए हैं, जब आपकी लीगल टीम मजबूत होगी काउंसलिंग करेंगे और फाइनेंशियल एड की, क्योंकि वो आदमी डरता है कि मेरे पॉकेट में 100-200 रुपए नहीं है, अगर मुझे शहर छोड़ के इलाहाबाद जाना पड़े वकील साहब के पास तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो वो आदमी अपने थानेदार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसलिए एक अच्छे खासे फंड की जरूरत है जो विटनेसेस पर खर्च किया जाए और उन्हें एक फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस दिया जाए कि हाँ हम इस लड़ाई में हैं, अगर तो हमें किसी तरह की दिक्कत आएगी तो मदद करने वाले लोग हैं। बाकी बातें आ चुकी है, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं हम आप लोगों से गुजारिश करते कि जो प्रस्ताव मोहतरमा सीमा आजाद जी ने आप लोगों के बीच में पढ़ा है, क्या आप लोग उससे सहमत हैं? अगर सहमत है तो आप लोग हाथ उठाकर अपनी सहमति जाहिर करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने तमाम अधिवक्ता साथी, एडवोकेट महाप्रसाद जी, एडवोकेट दानी साहब, एडवोकेट नौशाल साहब, एडवोकेट राजीव भाई, हमारे बहुत तेजतर्रार अधिवक्ता साथी, उनका जो खैरमकदम में इस्तकबाल है, हमारे सीनियर एडवोकेट हमारे सामने बैठे नबी खान जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आगे की कड़ी में अपने अधिवक्ता साथी बुलाने से पहले मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये जो हम लोगों ने इस गोष्ठी का आयोजन किया उसका मेन मकसद, मेन मोटो ये था कि कैसे लीगल सेल एक बनाया जाए, कैसे इन
जो लोग विक्टिम हैं, विक्टिमों की लंबी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इन्हीं सब बातों पे अधिवक्ता अपनी बात रख रहे हैं। मैं अपने क्रांतिकारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इलाहाबाद के क्रांतिकारी अधिवक्ता एक बात और कह देना चाहते हैं अपने अधिवक्ता साथी को बुलाने से पहले कि कुछ ही देर में ये प्रोग्राम खत्म होने वाला है, लिहाजा थोड़ा टाइम, जब आप लोगों ने सुबह से इतना टाइम दिया है, थोड़ा सा टाइम और दे। आगे कड़ी में क्रांतिकारी इलाहाबाद के अधिवक्ता साथी पंडित नाथू राम बौद्ध चमा जी को मैं बुलाना चाहता हूँ, आए और कम वक्त में अपनी बातों को रखे बताए अपनी पीड़ा और बहुत ही संक्षेप में। पंडित नाथू राम बौद्ध जी, साथियों वो कहानी नहीं बताऊंगा, नहीं बहुत समय लग जाएगा। जैसे आपने देखा मेरा नाक छिदा हुआ है, तो मेरा नाम छेदीलाल नाक छेदने से हो गया था। होल, मिस्टर होल। फिर मैं ईसाई धर्म स्वीकार किया कि मेरा नाम बदलो यार, मिस्टर होल। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम मिस्टर होल होल, हमने कहा बात तो वही है। फिर मैं सिख धर्म में चला गया तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम छेदा सिंह। फिर मैं मुस्लिम धर्म में गया तो मेरा नाम सुराखली। तो मैं जहां जाता हूं मेरा बदनसीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि ये देश में इंसानों की पूजा नहीं होती, जात और धर्म की पूजा होती है। उसका कारण है, एक इंटरव्यू में मैं गया, हमारे एक राय भाई जहां भी कहते हैं हम लोग वहां, आज यहां 11 बजे से यहां बैठा हूं, इंटरव्यू देने गए तो कोई दूसरा आदमी गया, कहा क्यों भाई क्या करते हैं पापा, कहे डीआरएम ऑफिस में है, कहे रामायण तो जानते होगे, कहे बिल्कुल जानते हैं, दो लाइन सिखाया, कहे ठीक है, कहे रामचंद्र जी के पिता का नाम बताओ, वो तो रिक्शा वाला भी बता देता है राजा दशरथ। फिर मैं गया, कहे क्या नाम, हमका नाथू राम, राम लिखने का मतलब शुरू का यजीवा राम, कांशी राम, कल्लू राम, नाथू राम, कहा आपके पिताजी क्या करते हैं, उनका साहब राजगीर से, मैं अच्छा बताओ राम के साहू का क्या नाम। अब मैं राजापुर का सभासद रहा हूं 12 क्या क्या चीज है भाई, अब कहां ढूंढे हम इनके साहू को। तो मैं सर झुका लिया, कहा कोई बात नहीं बेटा, अगले साल मेहनत करके आना, ये जिल्लत मेरे संग हो रही है। अभी मंसूर अली पार्क में एके भाई थे, कचहरी में मेरे चैम्बर में आग लगाने के लोग तैयार हो गए, मेरे संग अपमानित करने को तैयार हो गए, इससे हौसले पर कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। क्योंकि मेरा नाम नाथू राम है, जितने लोग महात्मा गांधी को जानते हैं उतने लोग नाथू राम को जानते हैं, मुझको कोई अखबार और मीडिया की जरूरत नहीं। तो दोस्तों मैं उस पर एक लाइन कहना चाहूंगा, जो ये जुल्म कर रहे हैं सिर्फ मुसलमान की तरफ तो दो नली बंदूक है, निशाना हम लोगों की तरफ, बंदूक उनके तरफ है, निशाना हम लोगों की तरफ। उसके एक लाइन कहना चाहूंगा, मैं बोलता हूं इसलिए किताब हूं, मैं बोलता हूं इसलिए किताब हूं, गूंगों का कोई इतिहास नहीं होता। कल हमारे कमरुल हसन भाई के हम लोग की दावत थी, उसी खाने के दौरान इस्माइल बाल्टी वाला साहब भी आए थे, खाना भी हम लोग खाए, हमारा बेटा भी था। उसी का एक लाइन आपके सामने कहना चाहूंगा कि जो काफिर हैं वो खून गिरा रहे हैं गली कूचों में, जो काफिर हैं वो खून गिरा रहे हैं गली कूचे में, जब वतन को खून की जरूरत होगी तो क्या होगा।
जब वतन को खून की जरूरत होगी तो क्या होगा। अगली लाइन, राख के नीचे चिंगारी भी रख, राख के नीचे चिंगारी भी रख, अमन चाहिए तो जंग की तैयारी भी। आज 3.5% शैतान, 12% मुसलमान को अल्पसंख्यक कहता है, 3.5% शैतान अपने को बहुसंख्यक कहता है। मैं तो ये गलते नहीं समझ पा रहा हूं, कमरूल भाई से पूछूंगा, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल से, कि 3.5% ज्यादा होता है कि 12%? 3.5% वाला बहुसंख्यक और 12% वाला अल्पसंख्यक क्यों? 3.5% वाला शैतान वो 55% बैकवर्ड जो मूल निवासी है, और 22% शुरू का जो मूल निवासी है, उनको ऐसी साजिश में फंसा रखा है। उस साजिश को बता के एक मिनट खत्म करूंगा। एक आदमी हाथ देख रहा था तो मेरी तरह गरीब एक दलित समाज का लड़का गया, कहा आबाजी देखिए रिटर्न को पास कर लेता हूं, इंटरव्यू फेल हो जाता हूं। कहे कैसे? कहे शनि महाराज मेरा काम रोक देते हैं। कहे हाथ दिखाओ, तो कहा ये मोती वाली लकीर ही तो शनि है, और बेचारे का डिपर हो गया। कहे छोटी मोटी लकीर तो साबुन से भी मिल जाता, ये मोटी लकीर कैसे निकलेगी? कहें बाबा जी कोई उपाय बताइए। कहें 1100 रुपया लगेगा, मैं शनि दूर कर दूंगा। उसने कहा बाबा जी मैं तो बेरोजगार हूं, मेरे पास 1100 नहीं है। कहे 5.5 है। कहे नहीं, कहे 101 है। कहे नहीं, कहे 51 है। कहे नहीं, कहे 1 रुपया है। कहे नहीं, कहे अगर तब का परेशान है, शनि देख के टोका खुदे भागी, ऐसा न हो 50 रुपया हमसे मांगे। उसी तरह मेरा समाज गुमराह है, और मेरा विश्वास है कि हम 2-3 लोग को बुलाया है कि 55% बैकवर्ड और 22% शुरू का, अगर शैतानों के साजिश से, शैतानों के लफाजी से अगर सचेत हो गया तो 3.5% शैतान ना मुसलमान को ना यहां के रहने वालों को वो सता नहीं पाएगा, खुद मजलूम हो जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब